우리 세 자매 구김살 없이 살아볼 거니까요. हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से माइंड कार्ड में। तो मैं फिर से हाजिर हो चुका एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ लिटिल वुमेन कोरियन ड्रामा के बारे में। ड्रामा कैसा है, आपको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल पर पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो ड्रामे में स्टोरी है तीन बहनों की, इंजू, इन क्यू, इन हाई की। अब इनकी जो लाइफ है काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इसके लाइफ में ट्विस्ट तब आती है जब एक दिन यूंजू को एक पैसे से भरा बैग मिलता है जिसके अंदर 70 बिलियन वॉन होता है। अबे पैसे कहाँ से आए, क्यों आए, किस तरह आए और इस पैसे की वजह से किस तरह से इनकी जो लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, पूरी तरीके से ट्विस्टर ले लेती है और क्या क्या इन सभी को फेस करना पड़ता है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को इन तक देखना पड़ता है। बात करें ड्रामे के बारे में तो ड्रामे की जो स्टार्टिंग बड़ा ही सिंपल तरीके से स्टार्ट होता है, लेकिन पहले एपिसोड के एंड तक जाते जाते ड्रामा इस तरह से ट्विस्ट टर्न लेता है कि आपको दूसरा एपिसोड देखने के लिए बेताब कर देता है। उसी तरह से नेक्स्ट एपिसोड में आपको इसके एंडिंग में इस तरह से मिस्ट्री देखने को मिल जाती है जो कि आपको इस ड्रामे से कनेक्ट करके रखती है। जो ड्रामा है वो पूरी तरीके से मिस्ट्री से भरा पड़ा है और इन तीनों बहनों के मतलब अलग अलग लाइफ स्टोरी देखने को मिलती है जो कि आपको ड्रामे से कनेक्ट करती है। ड्रामे के अंदर आपको खतरनाक वाली मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलता है, जो भी हो रहा है उस पैसे की वजह से हो रहा है। अब वो कौन है जो इस पैसे के पीछे पड़ा हुआ है और किस लिए पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें तो आपको इस ड्रामे के अंदर ही देखना पड़ेगा। खास करके वो फ्लावर वाली सीन जहाँ पर भी मर्डर होते हैं वहाँ पे एक फ्लावर मिलती है। अब इस फ्लावर के पीछे की मतलब स्टोरी क्या है, ये भी आपको ड्रामे से जोड़ करके रखेगा। और इन जो जिस तरह से मतलब पैसे के बारे में हर एक चीज जानती है लेकिन जिस तरह से वो छुपाती है, जिस तरह से नादान बनती है, वो खतरनाक है। ड्रामे के सेकेंड एपिसोड में आपको सॉन्ग जो की भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही कम। अब आगे देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नहीं बता सकता क्योंकि अभी तक दो ही एपिसोड रिलीज किए गए हैं। तो जिन लोगों को मर्डर मिस्ट्री वाले ड्रामे देखना पसंद है तो इसमें आपको जबरदस्त मिस्ट्री देखने को मिलेगी, मर्डर सस्पेंस देखने को। ड्रामे की स्टोरी प्रेजेंटेशन से ऐसा लगता है कि मतलब जब आप बीच में जाओगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा वीक लग सकता है, लेकिन एंडिंग इसकी जबरदस्त होगी ये गारंटी है। सो यदि आप चाहते हो एक मर्डर मिस्ट्री वाली ड्रामा देखना तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो, लेकिन ये आपको सबटाइटल के साथ देखने को मिलेगा। अभी तक ये हिंदी में नहीं आई है, हो सकता है इन फ्यूचर अगर ये अच्छा ग्रोथ करती है ड्रामा तो हिंदी में देखने को मिलेगी। फिलहाल यदि आप चाहते हो तो इसको आप सबटाइटल के साथ चेकआउट कर सकते हो, ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि पसंद आई हो। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल पर पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।